अब ये देखिए, अगर सपोज आपके पास एक अल्की है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन गैस और साथ में कोई मेटल हो जाए, जैसे प्लैटिनम हो जाए, निकेल हो जाए या फिर कोई दूसरा मेटल हो जाए। हम मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को अगर ऐड करते हैं और साथ में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, अल्कीन है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा जाके ये अल्कीन पे अटैच हो जाएगी। अभी जब हमसे समझ रहे हैं कि होने क्या वाला है, फिर देखेंगे किस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो ऐड होती है बेटा, ये जो ऐड होती है हाइड्रोजन गैस, ये किस वे में ऐड होती है, हाँ वेरी गुड, ये होती है सिन एडिशन के फॉर्म में। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बट इसको एक बार हम वापस से डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। अब देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब समझते हैं कि ये मेटल क्या रोल प्ले कर रहा है, ये हाइड्रोजन क्या रोल प्ले कर रहा है, ये रिएक्टेंट में ये सीन एडिशन क्या चीज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझो बेटा, इस रिएक्शन को होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, है ना बेटा, ये कौन सा फॉर्म है उसका, H2 का फॉर्म है, इसी वे में एग्जिस्ट करता है वो। और आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बीच में कौन सा बॉन्ड बना के रखा हुआ, अपने सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बेटा, सिग्मा बॉन्ड बना के रखा हुआ है। और हमको पता है कि इस बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा लगेगी। और आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे कार्बन पे एक सिंपल हाइड्रोजन का आइटम ऐड कर रहे हैं, नहीं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो अगर आपको ये हाइड्रोजन ऐड करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एट ए टाइम कितना बॉन्ड बना सकता है, सिंपल एक बॉन्ड बना सकता है। तो देखो बेटा, पहला तो काम है कि क्या करना है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी हमको दो हाइड्रोजन के आइटम मिलेंगे, तभी उसका एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसी चीज को करने के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट मेनली यहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है। अब मेटल क्या होता है बेटा, देखो प्लैटिनम निकल या फिर आप कॉपर कुछ भी यूज कर लो, एक मेटल यूज करते हैं और मेटल को क्या करते हैं, फाइनली डिवाइड करते हैं। फाइनली डिवाइड क्यों करते हैं हमें समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, पहले क्या करते हैं कि मेटल को आप लोग एक सपोज एक चेम्बर ले लेता हूं मैं, उस चेम्बर में आप क्या करते हैं, आप मेटल को फाइनली डिवाइड करके, मतलब उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके, मतलब उसका कीमा बना डालो मेटल का, और मेटल का कीमा बना के आप क्या कर दो, उसको यहाँ पे एक जगह पे प्लेस कर दो। ये मेटल बहुत सारा मेटल के ये छोटे 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 पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, आप इस मेटल के पार्टिकल पे आप फ्लो करवाओगे किसको, हाइड्रोजन गैस को, किसको बेटा, हाइड्रोजन गैस को। अब क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा, वो कुछ चक्कर दिखाना शुरू करेगा। वो चक्कर क्या बेटा, वो देखते हैं अभी हम। देखो बेटा, हम लोग सपोज मान लेते हैं मेटल का सरफेस है, ठीक है, आपको पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारा हमने क्या किया, फाइनली डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया हमने मेटल को, ताकि हमको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता। अगर मैं क्या करता, मेटल का हम एक ब्लॉक ले लेते, तो क्या होता कि गैस बस इस अपर वाले लेयर पे इंटरैक्ट कर पाती, और जो अंदर का जो मेटल है हमारा वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि गैस तो उससे इंटरैक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो इनर वाले जो मेटल उनको क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, प्रोटेक्ट इन द सेंस उसको काम करने देंगे नहीं। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम कि मेटल को बहुत छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करो, तो क्या होगा, हमको बहुत सारा मेटल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब कि अब बहुत ज्यादा मेटल का सरफेस एरिया एक्सपोज हो चुका है, किसके लिए, गैस के लिए। पर आप बोलो कि सर गैस को मेटल पे डालने का मतलब क्या करना है, क्या चाहते हो आप। देखो बेटा क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस को मेटल के सरफेस पे ब्लो करवाते हो या फिर उसको फ्लो करवाते हो, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये मेटल के सरफेस के साथ इंटरेक्शन करती है। क्या करती है बेटा, इंटरेक्शन करती है। तो इंटरेक्शन करती है कैसे करती है, बिकॉज मेटल के सरफेस के पास क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे इंटरेक्शन करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर अपना वाला एग्जाम्पल दो। देते हैं बेटा एग्जाम्पल, देते हैं आपको, सुनो बेटा। देखो सपोज आप दो लोग, ठीक है, आप ए और आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है बी, ठीक है बेटा। दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब सपोज क्या हुआ कि आपने सोशल मीडिया पे किसी और कोई एक्स पर्सन से बात करना स्टार्ट किया। ये क्या कर रहा है कि एक्स के साथ बात करना शुरू कर रहा है, कोई एक्स पर्सन उसके साथ बात करना शुरू कर रहा है। वैसे जो पर्सन भी है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो भी किसी पर्सन वाई के साथ सोशल मीडिया पे क्या करिए, कॉन्टेक्ट करिए। तो आप लोग क्या बोलेगा, अरे यार तुम, बी बोलेगा कि यार ए देख तेरा ध्यान किसी और के पास है,
बी ए भी बोलेगा बी को कि देख भाई तेरा भी ध्यान किसी और के पास है, तो क्या होगा जैसे इनका चक्कर कहीं बाहर चल रहा होगा तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। सिंपल सी बात बेटा, अगर इसका ध्यान इस एक्स के पास है, इसका ध्यान इस वाई के पास है, तो ए का ध्यान बी के पास हो ही नहीं सकता। अगर एक आधान बी के पास हो ही नहीं सकता तो बेटा दोनों के बीच की बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं कि यह हाइड्रोजन एटम इस मेटल सरफेस से इंट्रैक्शन करेगा और यह हाइड्रोजन एटम इस मेटल सरफेस से इंट्रैक्शन करेगा, तो दोनों के बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मतलब दोनों का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस पे आ जाएगा, टूटने पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और वो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, अगर आपको एक सिंपल सा फैक्ट पता है कि जब भी कोई गैस कहीं पे भी जाके एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कोई उस पर आके चिपक रही है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सा टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्सेज है। और हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिस्टम में अगर अट्रैक्शन फोर्सेज है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है बेटा, वेरी गुड, वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसके अंदर, इस बॉन्ड को ब्रेक के अंदर। सिंपल सी बात है, इसका चक्कर यहाँ चल रहा है, इसका चक्कर ये मेटल के साथ चल रहा है, तो ये बोलेंगे भाई हम तो उन दोनों का अलग अलग ही चक्कर चल रहा है, तो अपन दोनों के बीच में बॉन्ड का क्या मतलब है, तोड़ डालो बॉन्ड को, तोड़ दिया। अब बेटा ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी एक एनर्जी का सोर्स कहां से हो सकता है, ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमको पता है जब भी अट्रैक्शन होता है वहां पे एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, क्योंकि सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पांच, अपने पास पांच सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ये तो हम फाइंड कर सकते हैं कि पांच सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और आप यहाँ पे देखोगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात, अपने पास क्या है, यहाँ पे सात सिग्मा बॉन्ड है, सात सिग्मा बॉन्ड। अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, अपने पास यहाँ पे पांच सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ पे बेटा एक दो तीन चार पांच, सिर्फ पांच सिग्मा बॉन्ड है, हमने बाकी के तो काउंट करे नहीं, यहाँ पे जो सी एच थ्री के पास होंगे उसको काउंट नहीं किया, पर फिलहाल इतने कंपेयर कर लो कि साइड वाले तो सेम ही होंगे। तो देखो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बढ़ रहा है, और हमको पता है बेटा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब रिएक्शन या फिर सॉरी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बेटा एक बात समझो, ये कम मॉलिक्यूल क्या है रिलेटिवली इसके कंपेरिजन में क्या है, अनस्टेबल है, और ये मॉलिक्यूल क्या है इसके रिलेटिवली में स्टेबल है। तो बेटा एक बात बताओ बेटा कि अनस्टेबल से जब वो स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी क्या होगी, वेरी गुड, वो रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक मतलब कि वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज क्यों करेगा बेटा, बात समझो, अगर एक हम एनर्जी की प्लॉट की बात करें, यहाँ पे एनर्जी मैं प्लॉट करता हूँ, तो देखो बेटा जिसकी एनर्जी यहाँ पे होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वेरी गुड, वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो क्या होता है, अनस्टेबल। और तो कोई ए यहाँ पे सपोज वो क्या करना चाहता है, वो बी में कन्वर्ट होना चाहता है, वो अनस्टेबल से क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो एक बात बताओ, जब हायर एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। क्योंकि तो सपोज आपके पास 10 किलो जूल एनर्जी है और आपको बनना है 2 किलो जूल एनर्जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से 8 किलो जूल एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, मतलब आपको अंदर में से निकालनी पड़ेगी एनर्जी। बस वैसे ही जब ये अनस्टेबल एक स्टेबल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज। मतलब ये कौन सी रिएक्शन बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी टाइप की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपको पता है बेटा कि ये एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, एनर्जी हम यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के, मतलब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम कहां यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के एक्साइडेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो पहले क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन डाला और हाइड्रोजन ब्रेक हो गया दो हाइड्रोजन के एटम के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हमने हाइड्रोजन डाल दिया, अब ये सब हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, फिर आपको मैं आगे की कहानी समझाता हूँ। अब आगे की कहानी कुछ इस तरीके से बेटा कि अब हाइड्रोजन एटम तो बन चुके हैं, अब हाइड्रोजन एटम बन गए तो अब क्या करेंगे उसका, अब सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो बेटा ये था हमारा मेटल सरफेस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और इनके बीच का बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो चुका है और इनका चक्कर चल रहा है नीचे मेटल के सरफेस के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे अल्कीन। अब अल्कीन देखो बेटा एक बात समझो, सपोज ये हमारा हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे, हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे, अगर मैं ऊपर से अल्कीन डालू तो जो हाइड्रोजन का एटम है वो कहां से एड होंगे, सेम साइड से एड होंगे, ऐसा तो नहीं है
कि एक हाइड्रोजन ऐसा ऐड होगा, एक हाइड्रोजन ऐसा घूम के ऊपर से ऐड हो जाएगा, नहीं ना बेटा, दोनों हाइड्रोजन कहां से ऐड होंगे, सेम साइड से ऐड होंगे। इसलिए बेटा जब हम इसके अंदर अल्कीन डालते हैं, क्या करते हैं, हम इसके अंदर अल्कीन डालते हैं तो क्या होता है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका ये हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, चक्कर चलने लग जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो चुकी है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, कैसे कंबाइन होगा, देखो अल्कीन ये ली, अल्कीन के पास ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ये ब्रेक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, सिंपली वो एक दूसरे से चिपक जाएगा और दोनों जो आपके हाइड्रोजन है वो कहां से ऐड होंगे बेटा, सेम साइड से ऐड होंगे। इसलिए इस टाइप के एडिशन को ये कैटालिटिक रिडक्शन या फिर कैटालिटिक जो हाइड्रोजिनेशन होता है, मेटल के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजन कहां से ऐड होगा, सेम साइड से ऐड होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या से बोलते हैं, सिम एडिशन। बात सिंपल है, पहले क्या हुआ, मेटल का सरफेस यूज किया ताकि हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक कर सके सिग्मा वाला, फिर हाइड्रोजन के एटम्स मिले, फिर हमने कहा क्या इसको ऐड किया, तो सिंस ये हाइड्रोजन सेम साइड पे, तो अगर मैं अल्कीन डालूं तो ये कहां से ऐड होंगे, सेम साइड से ऐड होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम एडिशन। स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं, आपको समझ में आया किस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करके हम एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, सिंपली कैटालिटिक रिडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मेटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो बोलना है बोलो, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैटालिटिक रिडक्शन। अब हम इसको प्यार से लिखेंगे। अब एक बड़ा एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको बुक में मिलेगा नहीं, पर मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि मेटल का सर्फेस यूज करने की और क्या जरूरत है। एक और पॉइंट होता है मेटल का सर्फेस हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये होता है बेटा कि आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है ये भी कैसा है, गैस का मॉलिक्यूल है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, और जो आपका जो रिएक्टेंट है, जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन, अल्कीन अल्काइन्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी कैसे स्टेट में होते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में होते हैं। अब एक बात समझो, इस पूरे से बड़े से रूम के अंदर मैं क्या करूं, दो हाइड्रोजन के गैस को क्या कर दूं, रिएक्ट करने के लिए डाल दूं, ठीक है। अगर सपोज आपको सिंपल वे में बताऊं कि दो मुर्गी है, ये मुर्गी सपोज ए और ये मुर्गी बी है सपोज, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को लड़ाई करवाना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में फाइट करवाना चाहता हूँ। सिंस दोनों के बीच में फाइट की टेंडेंसी बढ़े, तो मुझे बताओ एरिया ज्यादा रखना चाहिए, एरिया कम रखना चाहिए, कम रखना चाहिए ना बेटा। अगर आप उसको एक एकड़ के फार्म के अंदर छोड़ दोगे तो मुर्गी का मुर्गी से कोलिजन होना, मुर्गी का मुर्गी से फाइट करना, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम। बट अगर आप मुर्गी को एक छोटे से कमरे या छोटे से पिंजरे के अंदर दो मुर्गियों को डाल दो, तब तो उनको कुछ भी करके लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब उनके बीच में कोलिजन होने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक बात समझो बेटा, अगर इन दोनों मुर्गियों को मैं हवा में छोड़ दूं, इनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दूं, मतलब कि आपको रेसलिंग करवानी हो और आप प्लेटफॉर्म ही नहीं दो तो बंदा रेसलिंग करेगा कहां पे। वैसे ही अगर आपको दो गैसियस मॉलिक्यूल को अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो आपको उसको कोई प्लेस देनी पड़ेगी जहां पे गैस मॉलिक्यूल आके पहले क्या होगा, सेटल होगा, फिर वो सेटल होगा दूसरा गैस मॉलिक्यूल आके, फिर वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्योंकि हवा के अंदर कोलिजन होने की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, तो रेट क्या हो सकती है, कम। तो जो मेटल है ना बेटा, मेटल क्या करता है, एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है और साथ में हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए जो मेटल है इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। इसलिए हमने क्या बोला, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो ये मेनली क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है जहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल आएंगे वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये दो सिंपल से पॉइंट याद रखना। अब इसको हम थोड़ा सा फेयरली लिखते हैं ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है बेटा। अब पहले तो क्या करो आप कि एक बार थोड़ा देख लो, थोड़ा मन में सोच लो कि मैंने क्या क्या बताया, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देख लो एक बार आप। चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे हम किस तरीके से, पहले हम एक जनरल रिएक्शंस लिखेंगे कि मतलब एक्चुअली में होता क्या है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ ली, पर रिएक्शन नहीं आती सिंपल सी, वो आपको उसका अप्लाइड पार्ट पूछेगा, थोड़ी सी घुमा के रिएक्शन पूछो करो हमको करना, और हम करके रहेंगे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा मिटा लगा, मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। चलो बेटा अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। चलो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन। हेडिंग डाल दो यहां पर बेटा, कैटालिटिक रिडक्शन
ऑफ अल्किन, ठीक है बेटा। अब यहां पे लिखना यूजिंग H2N प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक, क्या क्या मेटल हो सकते हैं, प्लैटिनम, प्लैडियम, निकल एक्सेट्रा। मतलब हम लोग हाइड्रोजन का यूज करके इसको रिड्यूस करेंगे, बट किसके हेल्प लेके, हाँ प्लैटिनम, प्लैडियम या फिर निकल, ठीक है। अब इसके जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं सी डबल बॉन्ड सी, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, इतनी भी खराब हैंडराइटिंग नहीं मिली। एच टू, आप यहाँ पे निकल भी यूज कर सकते हो, प्लैटिनम भी यूज करते हो, प्लैडियम भी यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। और ये जो कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से, यहां पे एक हाइड्रोजन का एटम और यहां पे एक हाइड्रोजन का एटम, और ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। और आप यहां पे क्या लिखोगे, सिन एडिशन, ठीक है बेटा, सिन एडिशन लिखेंगे हम यहां पे, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से ऐड होते हैं, सिन साइड से ऐड होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखना है, चलो मैकेनिज्म में लिखवा देते हैं कि किस तरीके से होगा। पहले अब पहले क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से मेटल का सरफेस है, आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये क्या हमारा मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस। अब क्या होगा, पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन के एटम, तो हाइड्रोजन के एटम जाके क्या करेंगे, इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, ऐसे इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक बेटा। और इंट्रैक्शन करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल बिकम वीक। अब जैसे ही बॉन्ड वीक हो जाएगा बेटा, क्या होगा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ये वीक हो जाएगा वैसे हमारी अल्कीन आ जाएगी चांस मारने, अल्कीन आ गई चांस मारने। तो इस तरीके से दिखा दो, आपके पास यहाँ पे मेटल का सरफेस है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम है जिनके बीच का बॉन्ड क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। इस तरीके से इंट्रैक्शन दिखा दो आप यहाँ पे, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अल्कीन दिखाना और अल्कीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड को बनाए दो, और पाई बॉन्ड को डॉटेड बनाओ ताकि वो क्या लगे, ऐसा लगे कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो दो नए बॉन्ड है, दो नए सिग्मा बॉन्ड, वो क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और फिर सिंपली आप दिखा दोगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हो चुका है और आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, किस तरीके का अल्केन मिल चुका है और यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और हमने किसका यूज किया, मेटल का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन। कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, वो आपको एग्जाम में H2/निकल भी लिख के दे सकता है, H2/प्लैटिनम भी लिख के दे सकता है, H2/PD भी लिख के दे सकता है। और साथ में अगर आपको वो डेल्टा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई वो बाहर से आपको हीट प्रोवाइड करेगा तो अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको मदद मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा है, इतना छापो फटाफट, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे कुछ और। बेटा चलो अब मैं आपको कुछ और जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, वो जनरल रिएक्शन आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है, प्लीज उनको रेड कलर से लिखना अब जो मैं रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ, प्लीज, ठीक है बेटा। अब इसको रफ कर देते हैं और अपनी दूसरी रिएक्शन लिखते हैं। ओके बेटा, रिएक्शन लिखना कि सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस तरीके से लिख लेना, जो बेटा इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है, वरना क्या होता है कि हम लोग रिवीजन के टाइम पे ज्यादा उस पर फोकस नहीं देंगे। अब एक काम करना, अब पहला रिएक्शन जो हम लिखने वाले हैं वो इस तरीके से लिखना आप, CH3 यहां भी क्या है आपका, यहां पे आप डी और यहां पे भी क्या आपके पास डी है, ठीक है बेटा। ये आपका रिएक्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पहली रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट जो हम लोग लिखने वाले हैं। अब हमारे पास ये कौन सी अल्कीन है बेटा, जरा बताना कौन सी अल्कीन है, वेरी गुड, ये अल्कीन हमारे सिस अल्कीन, सिस अल्कीन क्यों, क्योंकि दो सेम ग्रुप का है, सेम साइड पे अवेलेबल है, और ये क्या कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, हाँ GI शो कर सकता है, सीजन ट्रांस वाला, ठीक है बेटा। अब DD सेम साइड पे, CH3 सेम साइड पे, अगर कोई भी दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं या फिर सेम एटम सेम साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन। तो ये हमारी कौन सी अल्कीन है, ये आप लिख सकते हैं, ये सिस अल्कीन है, लिख दो बेटा, सिस अल्कीन है। और हम क्या करें, सिस अल्कीन के अंदर हम ऐड कर देते हैं बेटा क्या,
एच टू इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा निकल, ठीक है, एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब एक बात समझो बेटा, अल्किन कौन सी हमारी सिस अल्किन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो एडिशन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो भी सिन एडिशन होने वाला है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होने वाला बेटा, यहाँ पे होने वाला है सिन एडिशन। लिख दो बेटा इस तरीके से सिन एडिशन, लिख दिया सिन एडिशन होने वाला है, सिस अल्किन है, और हम क्या करने वाले सिस एडिशन करने वाले सिन एडिशन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो प्रोडक्ट आप किस रूल से डिफाइन करते हो, वो प्रोडक्ट आप इस तरीके से लिखोगे, बड़ा सा डब्बा बनाओ और डब्बे के अंदर आप बड़ा बड़ा लेटर में लिखोगे सी एस ई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं बेटा, ये सी एस ई का मतलब क्या बेटा, हाँ सी का मतलब होता है सिस अल्किन है अगर आपकी, अगर आप इसमें क्या करा रहे हो सिन एडिशन करवा रहे हो तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है बेटा। इरिथ्रो हमको पता है, इरिथ्रो क्या होता है, जब हम इस तरीके से एडिशन करवाएंगे और इसके अंदर एडिशन करवाएंगे तो देखो बेटा जो कंपाउंड मिलेगा हमको इस तरीके से मिलेगा। अब बेटा इरिथ्रो का मतलब क्या होता है पहले वो बता मुझे, इरिथ्रो मतलब होता है कि जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल हम ऐड करने वाले हैं वो कहां होने वाले हैं, वो सेम साइड में प्रेजेंट होंगे वर्टिकल लाइन के, ठीक है बेटा। वर्टिकल लाइन हमने बना ली, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो दो इंटरसेक्शन भी दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है। तो आप तो क्या करो पहले ऊपर ऊपर ये मिथाइल लिख लो, लिख लिया मिथाइल लिख लिया। अब देखो बेटा हमको बनाना है, अगर सिस अल्किन है सिन एडिशन करेंगे तो हमको कंपाउंड कौन सा मिलेगा, इरिथ्रो एराइथ्रो जो बोलना है बोलो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, सेम साइड में वो जो एडिशन होने वाले आइटम वो कहा होने वाले, सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे। देखो बेटा यहाँ पे एच आ गया और यहाँ पे एच आ गया, और देखो बेटा हर कार्बन के पास एक एक डी है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे डी और यहाँ पे डी, सिंपल सी बात है। देखो ये दोनों भी सेम साइड पे, ये दोनों भी सेम साइड पे, तो ये जो कंपाउंड हमारा बना ये कौन सा बना, इरिथ्रो आइसोमर बना। और थ्रीओ क्या होता है, थ्रीओ में क्या होता है एक एच यहाँ पे तो दूसरा एच कहाँ पे होगा, यहाँ पे, मतलब अपोजिट साइड में। याद कैसे रखते हैं, बहुत सिंपल है। ई देखो ई में क्या होती है, सारी डंडी एक जगह पे होती है, सारी डंडी एक जगह पे मतलब क्या है, सेम साइड, मतलब जो ग्रुप है वो कहा ग्रुप या फिर आइटम कहा प्रेजेंट होंगे बेटा, सेम साइड में। और थ्रीओ में देखो बेटा, थ्रीओ किससे स्टार्ट करोगे, टी से। टी में देखो बेटा एक डंडी यहाँ जा रही है, एक डंडी यहाँ जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट होता है बेटा अपोजिट साइड में, सिंपल सी बात है। इरिथ्रो कैसे याद रखते हैं, इरिथ्रो मतलब वर्टिकल लाइन पे अगर जो एडिशन वाला ग्रुप है या फिर जो दो डिफरेंट ग्रुप है ये कहा है, अगर सेम साइड पे प्रेजेंट है, मतलब ये दो एटम अगर सेम साइड पे प्रेजेंट है इस वर्टिकल लाइन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रो। अगर ये दो एटम जो सेम एटम है अगर वर्टिकल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रीओ। याद कैसे रखना है, ई सब लाइन सेम साइड में तो ये सेम साइड में होगा, अपोजिट तो ये अपोजिट साइड में होंगे एटम, ठीक है बेटा। याद रख लेना सी एस सी, याद रखना है अपने को कि हमारे पास अगर सिस अल्किन है, सिन एडिशन करोगे उसके अंदर तो जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा, सिंपल सी बात है। याद रखना है सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिस अल्किन होना चाहिए और उसके अंदर जो आप एडिशन करवा रहे हो एडिशन किस टाइप का होना चाहिए, सिन एडिशन टाइप का, जो कंपाउंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। और आप एक बात नोट करना बेटा, एक बात क्या नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे, आप अगर आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड जो बना है, इस कंपाउंड के पास दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर बेटा यहाँ पे और एक कायरल सेंटर बेटा यहाँ पे है, और दोनों कायरल सेंटर के बीच में बेटा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये प्लेन पास करो, अगर आप इस मॉलिक्यूल इस बुक को इस प्लेन से क्या कर दो, काट डालो, तो काटोगे तो क्या होगा, वो बुक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस लाइक की आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा था, उस ब्रेड के टुकड़े को बीच में से काट दो तो जो अपर वाला पार्ट है जो नीचे वाला पार्ट है दोनों क्या होंगे, दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट होंगे। वैसे देखो बेटा आपने अगर इसको इस वाले प्लेन से काट डाला तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, आपको मिरर इमेज दिख रहा है, भले इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दो कायरल सेंटर है तो मतलब ये कंपाउंड कैसा बन गया, वेरी गुड बेटा, जो चिल्ला के बोला ये कैसा बेटा, ये मीजो कंपाउंड है। कैसा बेटा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि एक तो बात है ये मीजो कंपाउंड है, अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी गुड बेटा, जैसे जिस कायरल सेंटर में अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, अगर कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाती है, मतलब वो कंपाउंड क्या हो जाता है बेटा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा, ऑप्टिकली, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं किस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है या फिर
प्योर कंपाउंड बना क्या बना सब बता सकते हो आप। अब देखो बेटा सिंस ये मीजो है तो आप इसका दूसरा मिरर इमेज बना नहीं सकते क्योंकि हमको पता है कि मिरर मीजो की जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है आइडेंटिकल होती है तो कभी भी मीजो का मिरर इमेज बनाना नहीं है। ठीक बेटा आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके रिवाइज कर लेना। ऑप्टिकल इनएक्टिव मीजो कंपाउंड। अब बेटा एक बात बताओ ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों हुआ। अगर आपको याद हो मैंने आपको आइसोमेरिज्म में एक चीज पढ़ाई थी कि मीजो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है कि इसका जो अपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसके इस वाले पार्ट का ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। मतलब अगर ये लाइट को प्लस 60 से घुमाता है तो नीचे वाला लाइट को माइनस 60 से घुमाएगा और ये सारा का सारा खेल कहां चल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही चल रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए बाहर से कोई मॉलिक्यूल नहीं आ रहा या बाहर से उसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ रहा मॉलिक्यूल के अंदर का ही। मतलब इसलिए मेरे अंदर अच्छा आदमी भी है गंदा आदमी भी है दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया मैं क्या बन गया न्यूट्रल बन गया। ठीक है बेटा अब आप देखो यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे एक डॉट दोनों क्या करेंगे ये वाला पार्ट इसके इस वाले पार्ट को क्या करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं मीजो कंपाउंड के अंदर जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है इनएक्टिविटी होती है वो किसके वजह से होती है इट इज ड्यू टू लिख देना बेटा इट इज ड्यू टू इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है बेटा बहुत सिंपल है आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग तो जल्दी से आप नोट करेंगे और आप नीचे नोट लिखेंगे इसके कि इफ यू आर हैविंग अ सिजल की एंड वी आर डूइंग अ सिन एडिशन इन दैट देन द प्रोडक्ट विल बी इरिथ्रो इन नेचर। मतलब इरिथ्रो आइसोमर बनेगा या इरिथ्रो जो भी बोलना बोलो इरिथ्रो आइसोमर बनेगा और लिख देना की ये हमारा क्या है इरिथ्रो आइसोमर है। ठीक बेटा जल्दी से लिख दो बेटा छाप लो जल्दी से गला दुख गया चिल्ला चिल्ला जल्दी से। ठीक है बेटा इतना हो गया वेरी गुड। अब इसके बाद जो मैं आपको दूसरा रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा सा इसके सेम है बस थोड़ा उल्टा है। अब आप पूछोगे सर सिज में सिन तो इलेक्ट्रो तो बेटा ट्रांस में अगर आप सिज एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए वेरी गुड बेटा थ्रियो आइसोमर मिलना चाहिए। ठीक है अभी देखते हैं कि वो क्या है थोड़ा चेंज कर देते हैं फटाफट किस तरीके से चेंज करूं थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लेता हूं। आप लोग ऐसा मत करना आप लोग कर भी नहीं सकते यहाँ पे पॉसिबल है बस थोड़ा सा स्क्रीन में डाल दो देखिए सीन एडिशन तो सेफ रहने वाला है। ओके हेबड़ा चलो अब देखो जो अल्किन बनाने वाला हूं मैं जो अल्किन बनाने वाला हूं वो मैं कैसे बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं ट्रांस नेचर की। ठीक है बेटा जिसमें क्या होंगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे तो ये हमारी क्या बेटा ये हमारी है ट्रांस अल्किन। अब देखो बेटा ट्रांस अल्किन सिन एडिशन और जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे बेटा वो आप बनाओगे थ्रियो आइसोमर मतलब कि वर्टिकल लाइन बनाओ दो और यहाँ पे आपका एक डी यहाँ पे आपका एक डी यहाँ पे एक आपका एच यहाँ पे एक आपका एच यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे आपका क्या सी एच थ्री। मतलब आपको मैं सिंपल बताऊं देखो बेटा क्या है कि इसमें जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करोगे तो आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में आप इस तरीके से देख सकते हो सी एच थ्री डी सी एच थ्री यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी होगा बेटा यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे आप हाइड्रोजन का एडिशन कर दो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का एडिशन कर दो बट यहाँ से हमको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है हमको कुछ पता ही नहीं कि आप यहाँ पे जब यहाँ पे आप आर एस कॉन्फिगरेशन फाइंड कर सकते हो यहाँ पे आप जब तक आर एस कॉन्फिगरेशन फाइंड नहीं कर सकते तब तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला आइटम कौन से वाले बॉन्ड पे मतलब वेज पे है कि डैश पे। ठीक है बेटा तो हमेशा रखना इस तरीके से एग्जाम में आएगा बहुत रेयरली बट इस तरीके से हमेशा आता है वो आपको पूछता है कि इलेक्ट्रो बना कि थ्रियो बना बहुत सिंपल है। देखो ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री वर्टिकल लाइन में लगा लो दो कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन। अब हमको पता है कि ट्रांस अल्किन में सिज एडिशन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा थ्री ओ थ्री ओ मतलब कि सेम एटम अपोजिट साइड में देखो सेम एटम अपोजिट सेम एटम अपोजिट सेम एटम अपोजिट बन गया आराम से थ्री आइसोमर। ठीक बेटा अब हम लोग लिखते हैं अब आप क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसमें हमको जो शॉर्ट फॉर्म याद रखना है वो किस तरीके से याद रखेंगे टी एस टी टी एस टी। अब किस तरीके से बेटा यहाँ पे लिख देना क्या ट्रांस अल्किन यहाँ पे लिखेगा क्या सिन एडिशन और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा अब यहाँ मुझे बात बताना बेटा देखो बेटा ये काइरल सेंटर है और ये भी काइरल सेंटर है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या कोई सोच के बताओ बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। बट अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करो
कि इसके हम मिरर इमेज बना सकते हैं। क्यों मिरर इमेज बना सकते हैं? क्योंकि आप उसे एक आर्गुमेंट कर सकते थे कि सर जो पहला वाला कार्बन कायरल कार्बन है आपने इसको एच को यहाँ पे क्यों लिखा लेफ्ट हैंड साइड पर, आप उसको राइट भी लिख सकते हैं, और जो सेकंड वाला है वहां पे एच को आपने राइट भी क्यों लिखा उसको आप लेफ्ट भी लिख सकते हो। मतलब इसका हम दूसरा वाला फॉर्म बना सकते हैं जो कि इसका क्या होगा एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा। जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ये CH3 तो CH3 दिखेगा, इसमें मिरर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस क्या होगा, ये जो डी आपका जो राइट में था वो क्या आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा। देखो तो मिरर में आप देखोगे तो ये ग्रुप यहाँ पे दिखेंगे और ये वाले ग्रुप वहां पे दिखेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं नीचे। अब देखो बेटा ये कंपाउंड, अगर आप इस कंपाउंड को देखो और सपोज ये आर है और सपोज ये एस है, तो ये आर का जब आप इसका एक चेंज कर दोगे, एक ऑड नंबर ऑफ टाइम हमने क्या क्या चेंज किया तो ये बन गया, तो ये आर का बन जाएगा एस, एस का बन जाएगा आर। मतलब क्या हो रहा है, ये भी कंपाउंड क्या बना है, रेसिमिक मिक्सचर बना है। मतलब अगर ये 50% ये बनेगा तो 50% क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये 50% का जो रोटेशन होगा ये 50% उस रोटेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, ये कंपाउंड भी क्या बना बेटा, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर बना है, और इनेंशियोमेरिक में देखो 50-50% बन गया मतलब खत्म। ये भी कंपाउंड क्या, रेसिमिक मिक्सचर बना, और इस कंपाउंड के अंदर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। अगर आपको तो पूछे कि जो इंडिविजुअल कंपाउंड है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ बेटा इंडिविजुअल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इसके साथ ये भी बनेगा। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन सपोज +50 है तो इसका रोटेशन कितना हो जाएगा -50, तो +50 -50 जीरो। मतलब ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जल्दी लिख दो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कि ये है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक और चीज हम देख सकते हैं कि अब यहां पे बेटा देखो इसका रोटेशन कैंसिल करने के लिए इसी मॉलिक्यूल का कोई पार्ट नहीं आ रहा है, इसका रोटेशन करने के लिए एक दूसरा मॉलिक्यूल का रोटेशन काम में आ रहा है। मतलब ये जो रोटेशन कैंसिल हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से, हाँ बेटा इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है बेटा, याद रखना ये दो चीज, सिंपल सी चीज याद रखना कि सिस एल्कीन है, ठीक है बेटा, सिस एल्कीन है सिन एडिशन करो इरिथ्रो मिलेगा, ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन करो आपको थ्रियो मिलेगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और आप नोट लिखे होंगे यहाँ पे, एग्जाम में हमेशा आता है बेटा ये, प्लीज इसमें गलती करनी नहीं है, फ्री के मार्क्स है। ठीक है बेटा।